तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम टी 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 है, तात्या तुकाराम तेंदुलकर। सो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आप लकी पैचर को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। सो इस वीडियो में हम दो चीज़ के बारे में जानेंगे कि पहला कि आप लकी पैचर से कौन कौन से ऐप को मॉडिफाई कर सकते हो, बिकॉज इस वीडियो में आपको एक लिस्ट देने वाला हूँ जिसमें जितनी भी एप्लीकेशन आती है उन सभी एप्लीकेशन को आप लकी पैचर की मदद से मॉडिफाई कर सकते हो। अगर उस लिस्ट में आपकी पसंद की एप्लीकेशन या फिर जिसे आप मॉडिफाई करना चाहते हो वो एप्लीकेशन नहीं आती है तो आप उस एप्लीकेशन को लकी पैचर की मदद से मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। उस एप्लीकेशन का बस आप मुझे नाम कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप उस एप्लीकेशन को कौन से एप्लीकेशन से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। एंड दूसरी हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आप लकी पैचर से जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को मॉडिफाई करने जाते हो तो वो वहाँ पे प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए ताकि वो वर्क करे, आप जो करना चाहते हो वो आपका हो पाए, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए। सो सबसे पहले तो आपको लकी पैचर को अब डाउनलोड करने का जो प्रोसेस था वो चेंज हो चुका है, तो इसलिए आपको अब पहले LP डाउनलोडर इंस्टॉल करना है, उसके बाद LP इंस्टॉलर इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में, उसके बाद ही आप लकी पैचर को इंस्टॉल कर सकते हो। देखो अगर आपको डाउनलोड करने में किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे मैं आपको इस ऐप को ही अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते। मेरा टेलीग्राम चैनल सेम इस चैनल यूट्यूब चैनल के नाम से ही, तो आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा, और मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और जो इसने पिछली वीडियोस नहीं देखी है फुल तो आप उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो का भी लिंक मैं आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लकी पैचर को ओपन कर लेना है जब आप इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लोगे, एंड उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कस्टम पैच का जो अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहले आपको उसको अपडेट कर लेना है ना। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद नोट रूट सेट मोड पे क्लिक कर लेना जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, और उसके बाद यहाँ पे कस्टम डाउनलोड कस्टम पैच जो जितने भी होते हैं उन सभी को आपको डाउनलोड कर लेना। सो ये सब प्रोसेस मैंने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप देखो आप मिस्टेक क्या करते हो मैं आपको बताता हूँ। जिस भी आपको अगर आपको परचेज मॉडिफाई करना हो देन आपको उस पर सिंपली क्लिक करना है, एंड उसके बाद मेनू ऑफ पैच पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको 7 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो कि APK विद मल्टी पैच के लिए होता है, और APK विदाउट लाइसेंस वेरिफिकेशन, एंड उसके बाद APK विदाउट गूगल एड्स के। अगर आप किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हो उसमें एड वगैरह की प्रॉब्लम आती है आप नहीं देखना चाहते, आप उस एड को परमानेंट हटा सकते हो उस एप्लीकेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो ऑप्शन है मैं आपको उसके बारे में सिर्फ बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है APK रिबिल्ड फॉर इन ऐप पे। एंड उसके बाद अब आप जिस भी एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को तो इनेबल करना ही है। एंड कभी कभी किसी किसी केसेस में क्या होता है कि हम इस दोनों एप्लीकेशन को टिक मार्क करके रिबिल्ड ऐप कर देते हैं, बट फिर भी वो एप्लीकेशन वर्क नहीं करती है, मतलब जो भी हम करना चाहते हैं। देखो मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि YouTube का रूल है कुछ। सपोर्ट पैच फॉर इन ऐप एमुलेशन प्रोक्सी सर्वर है, सिंपली आपको इस पर टिक मार्क कर लेना है। तो अब आपको दूसरे को अनटिक कर करके यहाँ पे तीसरे पे टिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको रिबिल्ड द ऐप पे क्लिक, सो जब आप यहाँ पे रिबिल्ड द ऐप पे क्लिक कर लोगे तो अब क्या होगा, इस एप्लीकेशन को आपको रीइंस्टॉल करना होगा, यानी कि इसको डिलीट करके क्योंकि आपको जो आप एप्लीकेशन को रिबिल्ड करोगे, ठीक है, उस ऐप को आपको ओपन करना होगा। तो अब आप उस एप्लीकेशन को परचेस कर सकते हो जिसे आप पहले करने में आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक। तो ये सब मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, आगे का प्रोसेस तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके देख लेना। एंड यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि लाइसेंस वेरिफिकेशन रिमूव करना हो, अगर आपको गूगल एड रिमूव करना हो तो देन आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और रिबिल्ड द ऐप पे क्लिक करना होगा। तो इससे क्या होगा कि आप उस एप्लीकेशन को यूज़ करोगे, बस उस एप्लीकेशन आप जो कुछ भी देखोगे या फिर कुछ भी करोगे तो उस ऐप में एड आपको शो नहीं होगा। एंड यहाँ पे एक और कमाल का ऑप्शन मिलता है कि आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऐप इन्फॉर्मेशन का, देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखो ये बहुत काम की चीज़ है, यहाँ पे अगर आपको कुछ पता करना हो इस एप्लीकेशन की डिटेल वगैरह, ताकि आपको किसी अदर ऐप से अगर इस एप्लीकेशन को आप मतलब मॉडिफाई करना चाह रहे हो तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ देख सकते हो, इसमें कौन सा मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती हो तो आप
तो आप इस चीज़ को बहुत ही बेहतर समझ जाओगे, ठीक है। तो एंड अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कौन कौन से ऐप को मॉडिफाई कर सकते हो लकी पैचर की मदद से। तो यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 1500 प्लस एप्लीकेशन देखने को मिलेगी जिससे आप लकी पैचर की मदद से मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप जिस भी एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना चाहते हो, अगर वो एप्लीकेशन इस लिस्ट में नहीं आती है तो आप समझ जाना कि वो एप्लीकेशन आप लकी पैचर से मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। अदर एप्लीकेशन से आप उस ऐप को मॉडिफाई कर सकते हो। तो आप कमेंट करके बताना कि आप कौन से एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना चाहते हो। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप उस एप्लीकेशन को किस ऐप से मॉडिफाई कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करना लाइक, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना यार। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। तरीका है भीख मांगने का। तो मिलता हूँ मैं आपसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।